गंगा एक बार फिर अपनी रौद्र रूप दिखा रही है। खतरा निशान से एक मीटर से भी ऊपर बह रही गंगा नदी ने वैरिया तहसील के केहरपुर में रविवार को जमकर कहर बरपाया। पेयजल योजना के तहत बनी पानी टंकी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुघर छपरा के भवन के साथ ही करीब दर्जन भर आसियाने नदी में समाहित हो गए। प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पीड़ितों की सुधि लेने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। सुबह के करीब 5:15 बजे लाखों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी तिनके की तरह गंगा नदी की लहरों में समा गई। गंगा की लहरों का अगला निशाना केहरपुर गांव में निर्मित एएनएम सेंटर व आस्था का केंद्र श्री हरिराम ब्रह्मचारी का समाधि स्थल है। रोशन चौबे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।